3, 2, 1. मकर संक्रांति के पर्व पर पुष्कर में खूब हुई पतंगबाजी। कोरोना गाइडलाइन के चलते तीर्थ यात्रियों की संख्या रही कम, पुष्कर वासियों ने किया दान पुण्य। धार्मिक नगरी पुष्कर में मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार सुबह से ही जमकर पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने छतों पर लाउडस्पीकर लगाकर पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। सुबह से चला पतंगबाजी का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। पतंगबाजी के चलते आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती दिखी। पतंगों को उड़ाने के लिए छतों पर भारी भीड़ और एक दूसरे की पतंगों को काटने और लूटने की होड़ लगी रही। पतंगों को काटने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए जोर जोर से वो काटा का शोर मचा रहा। वहीं शाम ढलते ही लोगों ने छतों पर जमकर आतिशबाजी भी की। मकर संक्रांति के चलते दिन भर दान पुण्य का दौर चलता रहा। लोगों ने वृद्धाश्रम जाकर फल वितरित किए, वहीं गायों को चारा खिलाकर पुण्य कमाया। इस बार भी कोरोना के चलते पुष्कर सरोवर में विशेष धार्मिक स्नान करने वाले लोगों की भीड़ बहुत कम रही। सरोवर के घाट खाली दिखे, जिसके कारण तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय दुकानदारों में निराशा छा गई। करीब 2 साल कोरोना चलते हुए विदेशी पर्यटक की आवक कम हुई है, नहीं तो ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी कहा जाता है इसको, जो मकर संक्रांति है। इस पे कई विदेशी पर्यटक आते हैं, छतों पे विदेशी पर्यटक भी बहुत सारे नज़र आते हैं, लेकिन ये 2 सालों के कोरोना चलते हुए पर्यटक की आवक बहुत कम है। और अभी आज जैसे हवा का अगर कहा जाए तो हवा ठीक है पतंगबाजी के हिसाब से, और हम तो ये आशा करते हैं कि शाम तक अच्छे पतंगबाजी हो और लोग इसका लुत्फ उठाएँ, इसका मज़ा लें। पतंगबाजी लोकल स्थानीय कर रहे हैं मोस्ट प्रॉपरली, तो अधिकतर अभी फिलहाल लोकल ही स्थानीय जो हमारे लोग हैं वही कर पा रहे हैं, क्योंकि पर्यटक की आवक नहीं हो पा रही है कोरोना के चलते। अभी विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्थानीय और अजमेर के विदेशी इधर से उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सही चल रही है और माहौल बना हुआ है, डीजे लगे हुए हैं और कोरोना की पालना से उड़ा रहे हैं सब, सोशल डिस्टेंसिंग से भी ध्यान रख रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। Full of kites. Thousands. Tourists don't know how to fly the kite. Yeah. I've seen trying, but no. Tourists don't know. मकर संक्रांति के पर्व पर दिन भर चला दान पुण्य का दौर, खूब हुई पतंगबाजी। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बधेल ने चंद्रवदाई नगर खेल स्टेडियम में पोष बड़ा और मकर संक्रांति का पर्व मनाया। मकर संक्रांति पर्व पर शुक्रवार को पूरे दिन दान पुण्य, गायों को चारा और पोष बड़े के आयोजन होते रहे। अजमेर दक्षिण विधायिका अनिता बधेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चंद्रवदाई नगर स्थित खेल स्टेडियम में पोष बड़े के साथ पतंगबाजी करते हुए मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजगढ़ भैरवधाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज, बीपीसीएल के डायरेक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत, भाजपा के आनंद सिंह राजावत, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, संदीप भार्गव, गिरधर शर्मा, नितेश आत्रेय, मोहन लालवानी, जितेंद्र रंगवानी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और आमजन मौजूद रहे। इस मौके पर चंपालाल महाराज के सानिध्य में अनिता बधेल ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए, तो वहीं बच्चों को पॉपकॉर्न और बड़ों को पोष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जिला पदाधिकारी, महिला मोर्चा मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी और बूथ अध्यक्षों के बीच अलग अलग तरह की खेल प्रतिस्पर्धा भी हुई। कार्यक्रम के दौरान विधायक बधेल व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौरक्षा विभाग द्वारा मकर संक्रांति पर निधि संग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नरेंद्र मोदी के चित्र वाली पतंगें आसमान में उड़ाई गई। सर है मकर संक्रांति का पर्व है और इस मकर संक्रांति के पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने वस्त्र दान का कार्यक्रम रखा है। पिछले वर्षों में हम मनुहार गार्डन में वस्त्र दान का कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस वर्ष चूंकि
कोविड है, इस कोविड की गाइडलाइन का हमको पालन करना है और उस नाते से हमने ये चंद्रोदय स्टेडियम में ये कार्यक्रम रखा है। वस्त्रदान के बाद में जो लोग आए जिनको वस्त्रदान किया उनको पोष बड़े का और चाय का कार्यक्रम भी है और सरकार की गाइडलाइन में को देखते हुए ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। तो निश्चित रूप से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कोविड जो है वो जल्द से जल्द जाए ताकि सभी लोग अपने जिस तरह से जीवन जीते आए हैं, जो मुख्य धारा है उसी में जीवन जीते रहे। आज दान पुण्य का अवसर है, ये दान पुण्य जो है वो पुण्य का काम करेंगे और कोविड हमारे देश से, इस धरती से शीघ्र खत्म हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज पुनः मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई। दरगाह थाना पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग बिना मास्क वालों के बनाए चालान। कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 की नई गाइडलाइन जारी की गई है, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस भी नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहा है। शनिवार को दरगाह थाना पुलिस ने दरगाह बाजार धानमंडी में कोविड नियमों की अवहेलना कर रहे आम लोगों को समझाइश करते हुए कई लोगों के चालान भी बनाए। दरगाह थाने के हेड कांस्टेबल लक्ष्मण शर्मा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के 100 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं, वहीं बिना मास्क वालों के 1,000 रुपये के चालान बनाए जा रहे हैं। अभी तक 15 सोशल डिस्टेंसिंग और 2 बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिना मास्क वाले जायरीन और आम लोगों को पुलिस की ओर से मास्क भी दिए जा रहे हैं, साथ ही समझाइश भी की जा रही है। लोगों से अपील है कि वे कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए हमेशा मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा ना हो, साथ ही यहां वहां थूकने से भी बचें। इस तरह का व्यवहार करते हुए हम कोरोना से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। यहां मार्केट में भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंस के और बिना मास्क के चालान लोगों समझाइश की जा रही है, मास्क बांटे जा रहे हैं। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। करीब 15 चालान होंगे जिसमें सोशल डिस्टेंस के 15 होंगे, 2 मास्क के चालान हुए हैं। 2 महिला हैं, 3 कॉन्स्टेबल हैं, मैं हेड कॉन्स्टेबल, 6 आदमी का स्टाफ है। लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं, मास्क वितरित भी कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। 3.5 साल पहले अजमेर से लापता हुए युवक को पुलिस ने सूरत गुजरात से किया दस्तयाब। गंज थाना पुलिस व सीओ दरगाह पार्थ शर्मा ने परिजनों के किया सुपुर्द। दरगाह सीओ पार्थ शर्मा ने बताया कि 22 जून 2018 को गुमशुदा सतीश मेघवंशी की माताजी श्रीमती भंवरी देवी निवासी श्यामनगर काली मंदिर के पीछे फायसागर रोड ने अपने बेटे सतीश मेघवंशी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पेश की, जिस पर MPR संख्या 26/2018 दर्ज कर गुमशुदा सतीश मेघवंशी की तलाश शुरू कर दी गई। इसके बाद 30 अगस्त 2018 को गुमशुदा सतीश मेघवंशी की पत्नी श्रीमती माया देवी ने रिपोर्ट पेश की कि मेरा पति राजस्थान पत्रिका के वितरण करता थे, जो ग्रामीण क्षेत्र में अखबार वितरण व गार्ड का काम भी करते थे, जो दिनांक 19/6/2018 को प्रतिदिन की तरह मोटरसाइकिल से निकले थे, जो आज तक घर नहीं पहुंचे। मुझे अंदेशा है कि मेरे पति सतीश मेघवंशी का राजस्थान पत्रिका के मैनेजर मनीष डांगी, उनके सहयोगी नरेश बंसल, सुदर्शन यादव, अरुण जैन, देवकी नंदन शर्मा व सत्य प्रकाश ने आगरा गेट बुलाकर अपहरण कर हत्या कर दी या फिर कहीं ले जाकर उनके साथ अनहोनी घटना कर चुके हैं। आदि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 187/2018 IPC की धारा 365 SC/ST एक्ट पुलिस थाना गंज अजमेर पर पंजीकृत किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर व मुख्यालय पार्थ शर्मा, वृत्ताधिकारी व्रत दरगाह के निर्देशन में गंज थाना अधिकारी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस उप अधीक्षक SC/ST सेल अजमेर और वृत्ताधिकारी व्रत शहर अजमेर द्वारा गुमशुदा सतीश मेघवंशी की तलाश के हर संभव प्रयास किए गए। गुमशुदा सतीश मेघवंशी का परिवार व रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रहा। गुमशुदा की तलाश हेतु विशेष टीम का गठन कर तकनीकी सहायता व मुखबिर की सूचना पर गुमशुदा सतीश मेघवंशी के सूरत गुजरात में होने की जानकारी मिलने पर गठित टीम को सूरत गुजरात भिजवाया गया, जहां गुमशुदा सतीश मेघवंशी चौक बाजार सूरत गुजरात में मजदूरी करते हुए पाया गया, जिसको दस्तयाब कर हमरा लेकर आए और बाद अनुसंधान परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लगभग 4.25 साल बाद अपने परिवार से मिले सतीश मेघवंशी को देखकर सभी के आंसू छलक पड़े। एक 2018 अगस्त में सतीश मेघवंशी जी जो थे वो अखबार वितरण का काम देखते थे, तो अचानक ये परिवारजनों को बिना बताए कहीं निकल गए।
तो इस बात को लेकर के पहले तो घर वालों ने गुमसुदी दर्ज कराई और बाद में उन्होंने अखबार के कुछ लोगों जो अखबार से रिलेटेड थे उस पर उन्होंने कहा कि बोले इन लोगों ने इनका अपहरण कर लिया है। इस बात पर पुलिस ने विभिन्न तरीके से जाँच की तो पता लगा भी इनका अपहरण तो नहीं हुआ है और ये कहीं यहाँ से बाहर की तरफ जाके रहने लगे। इस दौरान हमने मुखबिरी से और तकनीकी सहायता से पता किया तो पता लगा कि ये सूरत रह रहे हैं, तो हमने मेरे आदमी भेज करके इनको वहाँ से बुलवाया ताकि अपने परिवारजनों से मिल सके। इस दौरान उन्होंने अपने परिवारजनों से संपर्क भी स्थापित नहीं किया था। बिल्कुल, कितने समय से लगा? अगस्त 2018, आज चौथा साल लगने, तीन साल से ऊपर, साढ़े तीन साल हो चुके हैं। कहाँ से लेके आए? सूरत, गुजरात। वहाँ क्या काम करते थे? दिहाड़ी मजदूरी काम करते। अब कितनी खुशी है परिवार? आप परिवारजनों को देख सकते हैं कि उनके तो आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये सब देवकी नंद शर्मा और राजस्थान पत्रिका के कारण, क्योंकि इन्होंने मेरा पैसा खा गया, इन्होंने एजेंट भी मेरा पैसा खा गया, वो भी नहीं देने लगे, तो धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ। तो एंड में इन्होंने बोला भाई सतीश तेरे को तो, जबकि ना यानी ये दोस्त भी गया था उसको मंगाने, तो बोले सतीश को तो बर्बाद करूँगा, छोड़ दूँगा नहीं पैसे, चाहे पैसे मांगता भी तो भी नहीं दूँगा और नहीं दूँगा इसको। कितना पैसा था? 10-12 लाख रुपये। अच्छा, जिसमें देवकी दिया नहीं मेरे को, देवकी एजेंट सब में मिला के 12-13 लाख रुपये बाकी थे मेरा। पहले क्या हुआ था? पहले टैक्सी चलाते थे आपको? नहीं, टैक्सी का इंचार्ज था, टैक्सी में संभालता था पत्रिका की। अच्छा, तो सभी जानते मेरे को, नौजती भास्कर सभी पूरे। कितने का हो गया? 15-20 लाख रुपये, तो बढ़ते रहे ना, इसी कर्जे के कारण छोड़ना पड़ा ना। देवकी नंद ने बोल दिया भाई तेरे को नहीं रहने दूंगा, इस कारण मैं ज़्यादा परेशान हो गया मैं। देवकी नंद ने पैसे नहीं दिया, अगर वो दे देता तो मैं छोड़ता नहीं, अगर वो पैसे दे देता मेरे को तो मेरे को छोड़ने की नौबत नहीं आती, अगर वो भी थोड़े बहुत दे देता ना तो मेरे को इतनी नौबत नहीं आती, तो मैं फिर धीरे धीरे कवर कर लेता। तो फिर कहाँ चले गए थे आप? मैं फिर सीधा दिल्ली, दिल्ली से सूरत चल गया था। फिर वहाँ पर किस तरह से दिन बिताए आपने? क्या जैसे जैसे रोड पे आदमी की व्यवहार होती वैसे ही। तो कभी घर वालों से कांटेक्ट नहीं करा? ना, मोबाइल घूम गया था ना मेरा। फिर अब कैसे आए? शैतान जी का फोन आया था मेरे पास, तो वो फोन करके मैंने बात करी इन्हों से, फिर इन्हों को बुलाया था मैंने, कहीं इधर हूँ, बोला आ जाओ, बोला ठीक है, फिर आए थे। अच्छा, अब कितनी खुशी है घर वालों से मिलकर? खुशी है, बहुत खुशी है। था 4 साल हो गए, 3.5 साल के ऊपर हो गए, और तब से 19 जून से लापता 2018 से, और तब से हमने कोशिश भी करी, एप्लीकेशन वगैरह भी दी और सब जगह दी कोशिश की, लेकिन फिर कहीं पता नहीं लगा, ना कोई फ़ोन आया ना कुछ आया था। और रायसन पत्रिका वालों ने किसी, हमने कौन फ़ोन किया था उन्हें भी, उन्होंने उनकी तरफ से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें, ना तो हमें मिलने आए ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी, हमने फ़ोन करके पूछा था, फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। और फिर बाद में ना एक नोटिस भी भेज दिया था हमें कि उसका कोई लेना देना नहीं है, टैक्सी वगैरह बंद कर रहे हैं, और हमसे ना बात करने की करी ना संपर्क, और अन्य अन्य जो लोगों को ना हमारे घर पे धमकी दबाव देने भेजा उन्होंने। और फिर उसके बाद में फिर हमने यहाँ थाने में भी कहा और एप्लीकेशन भी लगाई कि अनजान लोग आके, और नाम भी गलत रॉन्ग बता के जाते थे वो लोग, और उसके बाद कुछ 15 दिन में आते, कुछ 10 दिन में आते, ऐसे उनको बना रहा। हमें बहुत खुशी है और मैं विश्वास करती हूँ कि हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करा, मैंने अधिकारियों पे भी विश्वास रखा और प्रभु पे भी विश्वास रखा है 3-4 सालों से। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु की गवाही मेरी जिंदगी में पूरी हुई है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री किन्नर कल्याण बोर्ड भाजपा की स्टार प्रचारक सोनम किन्नर ने की जीत की दुआ। भाजपा की फिर से सरकार बनने और योगी आदित्यनाथ के फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए बांधा मन्नत का धागा। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष और पार्टी की स्टार प्रचारक सोनम किन्नर ने आज अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने एवं योगी आदित्यनाथ के वापस से मुख्यमंत्री बनने के लिए मन्नत का धागा बांधा। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद आमाद चिश्ती ने जियारत कराई और ओढ़नी उड़ाकर दुआ की। वहीं ब्रह्मा नगरी पुष्कर में भी सरोवर में स्नान कर भाजपा की जीत और योगी के मुख्यमंत्री बनने की कामना व प्रार्थना की।
सोनम किन्नर ने ब्रह्मा जी के दर्शन कर मनोकामना मांगी। पत्रकारों से बात करते हुए सोनम किन्नर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के पैटर्न पर काम करती है। यूपी में भी पार्टी ने सभी समाजों के साथ किन्नर समुदाय को भी सम्मान दिया है, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर यूपी में सरकार बनाएगी। सोनम किन्नर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हल्ला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन कर रही हैं, चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को बुलाने के कारण मैं अजमेर से जुड़ी रही हूं और अजमेर से मैं नॉमिनेट पार्षद भी रही हूं और आज मैं अपने संघर्ष के बदौलत राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य की मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हूँ और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ब्रह्मा जी की नगरी ब्रह्मा जी के पुष्कर सरोवर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पे वहाँ पे स्नान करके ब्रह्मा जी की नगरी में ब्रह्मा जी से हमने प्रार्थना किए 2022 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और गंगा यमुना सरस्वती की जो हमारी भारत की धरोहर जो एक जो प्रारिक मूल जो कहलाते हैं हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदलवली हिंद के राजा जहाँ पे बादशाह से लेके रंग फकीर सभी इंसान मानवता के नाते आते हैं और अपनी मुराद लेके आते हैं। तो मैं गरीब नवाज की बारगाह में आई हूँ 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की फिर से सरकार बने यह मैं डोरा लच्छा बांधने आई हूँ और गरीब नवाज की चौखट पे मन्नत मांगने आई हूँ जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी फिर से उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने। हमारे सैयद साहब हाजी शमीम चिश्ती जी के नेतृत्व में हमने यकीदत फूल और चादर पेश किए हैं। हमारी चादर योगी सरकार जी की तरफ से और फूल और इत्र हमने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह रिसालत में पेश करने का काम हमारे जो हाजी सैयद शमीम चिश्ती जी के नेतृत्व में और आमद जी हैं पूर्व पार्षद उनके नेतृत्व में हमने पेश किए और आज हमारे जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं उस सारी कैंडिडेट के लिए हम शुभकामना देने आए और गोरखपुर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्याशी बने हैं, भारी मतों से जीत होंगे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनके लिए भी हम प्रार्थना करें लाखों मतों से जीते क्योंकि उनका घर है गोरखपुर और अयोध्या से लड़ने की बात थी और अयोध्या से लड़ते तो और खुशी होती लोगों के बीच में, परंतु केंद्रीय बोर्ड ने और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने गोरखपुर से लड़ाने के लिए देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पार्टी में जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास वो करते हैं। इतने समय में और पार्टियों में दी हूँ परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो कहे जो हम आपको मंत्री बनाएंगे और अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश से नॉमिनेट राज्यसभा भी एक किन्नर को भेजने जा रहे हैं, एक सीट किन्नर समाज को दे रहे हैं। देखिए अभी पहली बार देश में पद्म भूषण किसी किन्नर को राष्ट्रपति भवन में देने का काम के जो बेंगलोर से किन्नर को पद्म भूषण दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास करती है और राजस्थान में भी 2023 में चुनाव है आपके यहाँ 23 में तो है 23 में भी राजस्थान में भी बीजेपी आएगी और उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा हम लोग भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने जा रही। देखिए यह जो ये विधायक छोड़ के गए हैं यह विधायक इनसे उनके कार्यकर्ता नाराज हो गए, उन्होंने ना तो कभी मीडिया को सम्मान दिए ना पोर्टल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना ही प्रिंट मीडिया का और उनके अपने जो कार्यकर्ता थे जिनके दम पे वो चुनाव जीतते थे वह कार्यकर्ताओं का काम ना करने के वजह से और वह भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना रहे थे अपने बेटा के लिए अपने पुत्र के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए। तो ये राष्ट्रीय पार्टी होने कारण से सबको मौका देती है
जब उनको देखें जो उन्होंने हम चुनाव हार रहे हैं और हमें हमारे परिवार का भला नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों ने डूबती हुई नाव पे जाके बैठे हैं। भविष्य में कभी जीवन में कोई नहीं आएगी, सिर्फ बीजेपी ही 2022 में पूर्ण बहुमत से माननीय योगी आदित्यनाथ जी वापस मुख्यमंत्री 22 की उत्तर प्रदेश राज्य से 2022 के चीफ मिनिस्टर होने जा रहे। जनता उनको पूर्ण बहुमत से आशीर्वाद दे रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com सच के साथ।